सो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस आज हम करने वाले हैं हैंड्स ऑन रिव्यू ऑफ रियल मी 2 प्रो की, जो कि है 8 GB। सो गाइस इट कैन बी सो मज़ेदार। सो अभी मेरे पास वो अभी फ़ोन पड़ा नहीं है, एक्चुअली मेरे फ्रेंड का था, तो मैंने उसके फ़ोन को लेके इसका किया है हैंड्स ऑन रिव्यू। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल आई लाइक इट। तो अगर आपको अभी तक अपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस इस फ़ोन के बारे में बताऊंगी आपको, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से लिया था, मैं कॉलेज में था तो उसने ये बाय किया। इसमें आपको मिलेगा कि नॉच जो है वो ड्रॉप में मिलेगा, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसका वेट अबाउट 174 ग्राम होगा। नॉच मिलेगा यहाँ पर डायमंड, जो इसका जो पूरा डिस्प्ले है वो 6.3 इंचेस का है। और सिम जो है आपको ड्यूअल मिलेगी और नैनो सिम है इसमें यूज़ होता है। जो ये इसकी रिलीज डेट थी ये सितंबर की थी, काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास मिलेगा जो कि मतलब जितना मर्जी तोड़ने की कोशिश करो नहीं टूटेगा। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी लगी वो है रैम, इसकी 8 GB है। इंटरनल स्टोरेज 128 GB है, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें 3G 4G सब कुछ मिलेगा आपको और फेस अनलॉक भी मिल जाएगा आपको इसमें, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। तो आगे बात करूँ मैं, इसमें 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलेगा। और भी आगे की फ़ीचर्स बताऊँ तो डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ मिलेगा यहाँ पे। और एंड्रॉयड ओरियो है, 2.2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा आपको, स्नैपड्रैगन का 660 का। और यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि पबजी खेलने में भी बहुत मज़ा आएगा। जी हाँ दोस्तों, पबजी में तो मतलब काफ़ी सारे फैंस हैं उसके, मिलियंस में फैंस हैं, बिलियन में हैं, तो उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस फ़ोन में खेल के। तो लुक भी काफ़ी बढ़िया है इसकी। आगे मैं बात करूँ तो पहले तो बात कर लूँगी मैं, गेम तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है इसमें खेलने में, मतलब ऐसा फील आता है कि अंदर ही बैठ के जैसे खेल रहे हो। तो मतलब काफ़ी अच्छा स्मूथ है, काफ़ी बढ़िया लुक देता है, सब कुछ अच्छा है इसमें। बस एक चीज़ की कमी है कि कोई कमी नहीं है। तो और बात करें तो इसमें म्यूज़िक वगैरह काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, बट इसमें एक ख़राबी है कि इसमें FM रेडियो नहीं मिलेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, FM रेडियो नहीं मिलेगा। 3500 की mAh की बैटरी है इसकी, लियोन बैटरी है और नॉन रिमूवेबल है, सबसे गलत चीज़। तो और इसके बारे में बात करें तो इसका फ्रंट कैमरा जो है वो 16 MP का है और जो फ्लैश होगी वो LED मिल जाएगी आपको। वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p की मिलेगी। काफ़ी अच्छा ऑटो फोकस वगैरह है रखा हुआ है इन्होंने, फेस डिटेक्शन भी है इसमें 2 MP का। एक्चुअली डुअल कैमरा तो एक 16 MP का होगा, एक 2 MP का होगा, दो कैमरा जो हैं। और बात करें तो इसमें सेंसर्स की, तो सेंसर्स की ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है, यानी कि आपके लिए सारा मतलब सब कुछ ईजी कर रखा है इन्होंने आपके लिए, तो ताकि आपके कंज्यूमर्स को अच्छा लगे फ़ोन। तो मैंने अभी तक आपको सब कुछ बता ही दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस फ़ोन के रिलेटेड प्लीज़ DM मी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ही कमेंट्स के थ्रू, तो आई विल श्योरली हेल्प यू कि आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मगर अगर आपको गेम खेलना पसंद है पबजी वगैरह तो आपको ये पक्का लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको काफ़ी सारा मतलब स्मूथ फीचर्स देता है गेमिंग का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। सो गाइस कैसा लगा ये आपको फ़ोन, और अगर फ़ोन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो जो जो अपना रियलमी 2 प्रो लेना चाहते हैं। और क्या बच गया, हाँ इस वीडियो को इतनी रीच दो कि लोग भी सोचे क्या रीच मिली है यार, वाह वाह। अच्छा तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना इस फ़ोन के बारे में कैसा लगा ये फ़ोन, और एडिटिंग कर ले सॉरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।